व्हाट इज 1.54 1.54 फैक्टर क्या है और हम इसको सीमेंट बैग कैलकुलेट करने के लिए कैसे यूज करते हैं, क्या यूज है इसका, मैं यहाँ आपको बताने जा रहा हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि 1.54 फैक्टर क्या है और सीमेंट बैग कैलकुलेट करने के लिए कंक्रीट में कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो ड्राई वॉल्यूम है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, ये हम ड्राई में लेते हैं। तो जब हम वाटर ऐड करते हैं तो इसका जो वॉल्यूम होता है वेट वॉल्यूम 54% बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो इसलिए वेट वॉल्यूम का जो हम कैलकुलेशन करेंगे ड्राई वॉल्यूम में 54% इंक्रीज ऑफ ड्राई वॉल्यूम ऐड कर देते हैं। तो इसीलिए इसका जो फैक्टर आता है 1.54 आ जाता है। यहाँ आप लोगों को क्लियर हो गया कि 1.54 फैक्टर कैसे आया। ठीक है, अभी हम इसका यूज कैसे करते हैं देख लीजिए। फॉर्मूला है सीमेंट बैग इज इक्वल टू वेट वॉल्यूम ऑफ मोटर इनटू रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो ऑफ कॉन्क्रीट मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ सीमेंट विच इज डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सीमेंट इन वन बैग। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल एम 7.5 में क्या रेशो होता है 1:4:8। तो सीमेंट बैग कैलकुलेशन हो जाएगा वेट वॉल्यूम 1.54 इंटू रेशो ऑफ सीमेंट क्या है 1 है इंटू 1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ रेशो ऑफ कॉन्क्रीट 1+4+8 इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होता है 1440। ठीक है, डिवाइडेड बाई 50 क्या है वन बैग में 50 kg सीमेंट होता है। तो ये कितना बैग आ जाएगा सीमेंट बैग 3.4 बैग्स। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं सीमेंट बैग बाय यूजिंग 1.54। अगर दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।